हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्री घनश्याम एकेडमी। और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। ओके, तो आइए, आज क्लास 11th का फर्स्ट क्लास है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेट एंड मोस्ट वेलकम इन क्लास 11 साइंस। तो बच्चों, पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, बट और उसमें हमने आपके वो सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आपको जो बुक फॉलो करना है, हमने लिखा था बुक फॉलो करना है आपको, एनसीईआरटी मस्ट। तो एनसीईआरटी के दो पार्ट आएंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। हमने सिलेबस पार्ट वन का लिखा दिया था, राइट। पार्ट टू का भी सिलेबस जब पार्ट टू स्टार्ट होगी तो उसमें हम लिखा देंगे। ओके, हमारा जो पार्ट वन था फिजिक्स में और उसका जो चैप्टर नंबर वन था वो क्या था, फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो ये फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, वो फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स की दुनिया है ना। ये फिजिक्स की दुनिया चैप्टर ऐड क्यों किया गया 11th में, क्या रीजन है, इसका क्या पर्पस है, ये समझना बहुत जरूरी है ना, बहुत ही नीडेड है, राइट। तो आइए, ये फिजिक्स की दुनिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हम बोले कि अगर हमको जयपुर घूमनी है, सपोज दैट अगर हमको जयपुर ट्रेवल करनी है, वहां पे घूमनी है, बहुत सारे जगह को घूमनी है ना। जयपुर जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हम क्या करेंगे, घूमेंगे, राइट। तो जिस प्लेस पे हम जाना चाहते हैं, अगर उस प्लेस के बारे में पहले से हम नॉलेज ले ले है ना, पहले से हम उसको जान ले है ना, तो उस प्लेस को घूमने में हमको बहुत आसानी होगी, राइट। तो अगर हमको जयपुर जाना है और वहां पे बहुत सारा प्लेस हमको घूमना है, तो हम पहले ही घूमने से पहले ही हम उस प्लेस के बारे में जान जाएंगे, समझेंगे, ताकि हम उस प्लेस को अगर उस प्लेस पर जाएं तो हमको उस प्लेस को समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो वही हमारा फिजिक्स की दुनिया, फिजिक्स की दुनिया ये चैप्टर ऐड करने का पर्पस ये था क्लास 11th में, कि आप पहले ये समझ लो कि फिजिक्स है क्या, राइट। आप जो स्टडी करने जा रहे हो वो है क्या, है ना। हम जो फिजिक्स में जो स्टडी करेंगे है ना, तो वो स्टडी क्या क्या करेंगे और क्यों करेंगे, काहे करेंगे, है ना। तो ये चीज की ये चैप्टर वन में बताएगा, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स की दुनिया है ना। तो जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स में, पहले हम वो समझ लेते आखिर वो चीज है क्या, राइट। ताकि हमको जितने चैप्टर आए उसको समझने में हमको आसानी हो जाए, इजी हो जाए, राइट। तो फिजिक्स की दुनिया कहता है कि आप पहले फिजिक्स को समझो, आखिरकार फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है ना, वो चीज हम समझेंगे, है ना। ताकि आगे जब हम चैप्टर आएगी, जब चैप्टर से मोशन आएगा, लॉ ऑफ मोशन आएगा, है ना, तो ये चैप्टर को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो ये पर्पस है इस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को ऐड करने का इन क्लास 11th, क्लियर। समझ में आ रही बात, यहां तक समझिए फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, दैट्स योर टॉपिक नेम, व्हाट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, समझिए बात को। साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। जो नेचर के बारे में जो ऑर्गेनाइज नॉलेज ग्रहण की जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, साइंस। ये ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या है, राइट। हम नेचर के बात क्यों करते हैं साइंस में, है ना, तो इसको समझते हैं ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनाइज नॉलेज होता क्या है, कि जब बहुत पहले पुरानी समय की बात थी, है ना, जब लोग फिलोसफर हुआ करते तो वहां पे कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं होता था, फिलोसफर होता था। और वो फिलोसफर अपने स्टूडेंट को कुछ स्टडी करवाते थे, है ना। तो वो सोचता था कि जैसे कि मान लो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, राइट। और वो उसमें ये प्रिडिक्शन नहीं था कि अर्थ सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है कि सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो फिलोसफर ने बोल दिया कि सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना। किसी फिलोसफर ने बोल दिया कि अर्थ सन जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, क्लियर। सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और किसी ने बताया कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, राइट।
तो उस चीज जो फिलोसफर था वो अपने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट ने उसको लिख लिया, क्लियर। फिर देखा गया कि जैसे कि मान लो कि गर्मी के जैसे साल में वो 12 मंथ होता है, 3 मंथ बारिश होता है, 3 और 9th मंथ क्यों नहीं होता है, है ना। तो बारिश का होना, पानी का लेफ्ट से राइट बहना, है ना, एक ही डायरेक्शन में पानी का बहना, है ना, सब लिखते गया कि पानी बह रही है राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट लिखते गया। फिलोसफर ने बताया, बोला और वो स्टूडेंट ने नोट कर लिया, है ना, समझ मेरी बात। दो पत्थर को रब करते हैं तो क्या होता है, तो आग निकलती है, तो दो पत्थर को रब करने से आग निकलती है, फिलोसफर ने बता दिया और स्टूडेंट ने लिख लिया। फिर आगे जनरेशन आया, है ना, तो आगे जनरेशन आया जो लिखा हुआ था वो चीज को रीड करने लगा, जैसे ही वो रीड करने लगा उस कारण ढूंढने लगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, है ना। तो फिर उसके बाद उसने कुछ कारण बताया, है ना, किसी ने बताया अर्थ के चारों तरफ सन घूमती है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है ना, उसका कारण ढूंढने लगा, राइट। जैसे कोई बॉल ऊपर फेंके तो नीचे आ रहा है ना, कोई बॉल को अगर ऊपर फेंके तो नीचे आ रहा है। बारिश होती है ना, 3 मंथ बारिश होती है, 9 मंथ बारिश नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्या रीजन है ना। तो फिर वो जिस चीज को लिखा हुआ था उसको नेक्स्ट जनरेशन ने स्टडी किया, उसने कुछ बताया दुनिया को, राइट, उसने कुछ लिखा, फिर उस चीज को लिखा हुआ चीज फिर आगरा नेक्स्ट पढ़ा, है ना, पढ़ने के बाद उसने कुछ सोचने लगा, सोचने के बाद वो फिर लिखा, है ना। मतलब जो चीज पहले था, बारिश का होना, है ना, दो पत्थर को रब करते हैं तो आग जलना, राइट, क्लियर, और किसी बॉल को ऊपर फेंको तो नीचे गिरना, है ना। तो फिर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया, तो वो चीज नोट करते गया, नोट करते गया और आगे जनरेशन उसके बारे में उस चीज को पढ़ा, समझा, फिर आगे वो अपना थीसिस देने लगा, अपना कुछ थीम देने लगा, राइट। फिर इसी तरह से साइंस का धीरे 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 क्या हो गया, डेवलप होते गया, राइट। और वो जो चीज बोला जाता था उस चीज को रिटेन लिखा जाता था, राइट, उस चीज को लिखा जाता था, राइट, और वही चीज पढ़ के उसके बारे में फिर सोचा जाता था, और सोच के फिर कुछ न्यू इन्वेंशन करता था, फिर उसको लिखता था, लिखने के बाद फिर उसको कोई दूसरा जनरेशन पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको फिर लिखेगा, है ना। तो साइंस में क्या था कि जो चीज हो रहा है नेचर में, है ना, उसके बारे में लिखना, लिखने के बाद उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना, और एक्सपेरिमेंट जो जो करता था वो सारा चीज लिखते जाता था। इस तरह से साइंस का डेवलप हो गया, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज। और नॉलेज किसका, तो नेचर का, जो हमारे आसपास हो रही है एक्टिविटी, बस उसी का स्टडी करते गया, उसके बारे में लिखते गया, इस तरह से साइंस का डेवलप होते गया, राइट, आगे भी डेवलप होते रहे, राइट। तो नेचर में जो चीज हो रही है उसी चीज की स्टडी हम लोग करते हैं, जिसको हम साइंस कहते हैं, क्लियर, समझ रही बात। पानी का बहना, है ना, एक ही डायरेक्शन में पानी क्यों बहती है, क्या रीजन है, है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं बहती है, लेफ्ट टू राइट क्यों बहती है, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं बहती है, है ना। बारिश का होना, बारिश क्यों होती है, है ना, बिजली क्यों चमकती है, राइट, इस सब की जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, नेचर, है ना। और इसके बारे में जो चीज लिखा गया रिटेन में, और उसके बारे में फिर सोचा गया, समझा गया, फिर उसने लिखा, है ना, इस तरह से ये नॉलेज ग्रहण करते गया, और इसी नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज नॉलेज कहते हैं। और ऑर्गेनाइज नॉलेज किसका होता है, तो नेचर का होता है। इस नेचर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, क्लियर। पौधे का हरा दिखना, नहीं सॉरी, पौधे का जो पत्तियां हरा के दिखना, राइट, पानी नीचे, पानी तो क्या होता है, आसमान से नीचे पड़ती है, और फिर हरा पत्ती पौधे में दिखना, मतलब पौधे के पास जरूर पानी होगा, पत्तियों के पास, ये पानी कैसे पहुंचा, क्या रीजन है। तो इसकी जो स्टडी कर रही है, सारा चीज नेचर में हो रही है, और इसकी जो स्टडी करते हैं, ये हमारा क्या है, साइंस है, समझ मेरी बात। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, जो हमारे आसपास नेचर में एक्टिविटी होती है ना, और इस नेचर की एक्टिविटी को हम लोग सोचते गए, समझते गए, और उसको एक बुक में लिखते गए, वही हमारा साइंस हो गया, है ना, दैट इज द ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस, राइट, या स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है, जब हम लोग साइंस के बारे में जान गए, साइंस का प्रिडिक्शन करने लगे, है ना जी, कि आखिरकार ये चीज हो रही है, तो हम इसको अप्लाई करके अपने लाइफ में, अपने इंडस्ट्री वगैरह में मशीन वगैरह बनाना, राइट, इंडस्ट्री में मशीन का बनना, है ना, अपने लाइफ को इजी कर लेना ड्यू टू हेल्प ऑफ साइंस,
दैट इज द टेक्नोलॉजी, है ना। जिसे गर्मी लग रही है फैन चला दो आसानी से ठंडी हवा खाओ, ये क्या है। ये फैन कैसे डेवलप हुआ, तो ड्यू टू हेल्प ऑफ साइंस, हेल्प साइंस की हेल्प से फैन को हमने डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद हमने आसानी से पंखे के नीचे बैठ गए और आसानी से हवा खा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना। तो ये फैन क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। अपने लाइफ को इजी करने के लिए है ना साइंस की हेल्प से क्या किए, तो डिवाइस बनाए, वो डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी है ना। साइंस की हेल्प से जो डिवाइस बनाए दैट इज द टेक्नोलॉजी फॉर आवर जनरल लाइफ है ना, फॉर इजी लाइफ। क्लियर। इंडस्ट्री वगैरह में काम को आसान करने के लिए मशीन बनाया गया, राइट। समझ मेरी बात, जो काम 100 लोग करता था वो काम एक अकेला मशीन कर लेता है। तो ये मशीन का बनना क्या है, टेक्नोलॉजी, राइट। और ये टेक्नोलॉजी आया कहां से, तो ड्यू टू हेल्प ऑफ साइंस। समझ मेरी बात। नेक्स्ट है, अगर मान लो सिंपल सा एग्जांपल हम समझाते हैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, कि मान लो यहां से भूज जाते हैं पैदल चले, अगर हम नारायणपुर से भूज जाएंगे पैदल तो हमको तीन से चार घंटा लगेगा। अब हम टाइम को कम करना चाहते हैं तो हमने क्या इन्वेंशन कर दिया, तो बाइक इन्वेंशन कर दिया, स्कूटी इन्वेंशन कर दिया। अब हमको 3 आवर के जगह 15 मिनट 30 मिनट लगने लगा, है ना। अब और कम करना चाहते हैं टाइम, है ना, तो और न्यू इन्वेंशन हमने किया, एरोप्लेन बना दिया, है ना। तो 2 सेकंड में हम कहां पहुंच गए, भुज पहुंच गए, नारायणपुर टू भुज बाय एरोप्लेन कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में। बाय स्कूटर कितने, सॉरी बाय स्कूटी या बाय कितने सेकंड टाइम में, तो 30 मिनट में। अब बाय अगर पैदल चले तो क्या होगा, तो वही 3 से 4 आवर लगता है, राइट। तो अपनी लाइफ को इजी करने के लिए साइंस की मदद से जो डिवाइस हमने इन्वेंशन किया दैट इज द टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही बात, ये हमारा टेक्नोलॉजी है। हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। क्लियर। इट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है उसको यूज करके फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो इन्वेंशन किए है ना, और एप्लीकेशन वेदर इंडस्ट्री और इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना। तो जो साइंटिफिक नॉलेज हमने ग्रहण किया है ना, उस साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके जो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, अपने लाइफ को इजी करने के लिए प्रैक्टिकली पर्पस के लिए और एप्लीकेशन, है ना, प्रैक्टिकल पर्पस और एप्लीकेशन वेदर इंडस्ट्री और आवर एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ को हम इजी कर दिए है ना। और इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन, 100 लोगों का काम, अकेला एक मशीन करने लगा है ना। ये जो इन्वेंशन हम लोग किए किसके हेल्प से, तो साइंटिफिक नॉलेज की मदद से, यही हमारा क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।